हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे भी बता रहे होंगे। तो आप लोगों, मतलब बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं आप लोगों को फ्री स्टोरीज बताऊँ कुकू एफएम की, जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। तो फाइनली ये वीडियो आ रही है आप लोगों के लिए और ये वीडियो आई गेस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज भी होंगी जो शायद आप लोगों ने सुन ली होंगी, तो उसके ओपिनियंस जो है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इनमें से बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो मैंने नहीं सुनी है, बट मैं आप लोगों के लिए ऐसी लिस्ट लेके आई हूँ। क्योंकि यार आप लोग बहुत टाइम से मुझे बोल रहे हो कि फ्री स्टोरीज, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज भी लिए हैं। इनका मुझे इंट्रो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वाली जो स्टोरीज हैं ये शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं आप लोगों को स्टोरी की डिटेल्स ज़्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि इससे वीडियो की जो लेंथ है वो लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों को मैं बस नाम बताऊंगी और जो लिंक्स वगैरह होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप लोग इसे सुन लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो पसंद आएगी। तो अब हम शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो वीडियो की लेंथ जो है वो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो शॉर्ट फ्री स्टोरीज फ्रॉम कुकू एफएम, ठीक है, जिसका नाम है तुम्हारे बाद। इसके जो एपिसोड है वो 4 ही है, ज़्यादा एपिसोड नहीं है। इसकी जो रेटिंग है वो है 4.4 और इसकी जो वॉइस आर्टिस्ट है वो है, नहीं सॉरी, इसकी जो स्क्रिप्ट राइटर है वो है साजिद अहमद। इसकी वॉइस आर्टिस्ट का नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। और अब आप लोग खुद सोचिएगा तुम्हारे बाद ये किस तरीके की स्टोरी होने वाली है। ये एक रोमांटिक स्टोरी होने वाली है, ठीक है। तो बाकी जो नेक्स्ट है उसका नाम है सुसाइड ब्रिज। इसका मैंने इंट्रो पढ़ा था, इसमें कुछ रूह की कोई लव स्टोरी है, तो बट ये है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें इसमें ज़रूर सीखने को मिलेंगी। इसके जो एपिसोड है वो है 4 और इसकी जो रेटिंग है वो है 4.6। इसकी जो ऑथर है वो है साजिद अहमद, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट है थर्ड वन, उसका नाम है हादसा और ज़िंदगी। इसका एक ही एपिसोड है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। इसकी रेटिंग जो है वो है 5, ठीक है। आप लोग खुद सोचिए यार, 5 रेटिंग मिली है तो अच्छी ही होगी। और यहाँ तक कि मैंने इसके जो रिव्यूज़ थे, कमेंट्स थे, वो भी पढ़े थे, काफ़ी लोगों ने इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। और ये ज़्यादा लंबी भी नहीं है, एक ही एपिसोड है, ठीक है। तो इसकी जो ऑथर है वो है नितिन शुक्ला और ये जो नितिन शुक्ला इनके नहीं है ऑथर, इनके ऑथर है साजिद अहमद और वॉइस आर्टिस्ट है सारिका राठौर, ठीक है। तो सॉरी मैंने नाम गलत बता दिया आप लोगों। तो जो नेक्स्ट है उसका नाम है तुम सी उफ, ठीक है। अब ये किस तरीके की स्टोरी होने वाली है आप लोग शायद नहीं गेस कर पाओगे, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। ये एक फ्रेंडशिप बेस्ड स्टोरी होने वाली है। किस तरीके से आप लोग मतलब ये कह लीजिए एक नज़रिया दिखाया गया है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है फ्रेंडशिप का, ठीक है। किस तरीके से दोनों साथ रहना, लॉयल रहना, ट्रस्ट करना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस स्टोरी में सुनने को मिलेंगी। और इसके जो एपिसोड्स हैं वो भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही एपिसोड है। इसकी रेटिंग भी 5 है और इसके भी कमेंट्स काफ़ी अच्छे थे, रिव्यूज़ अच्छे थे, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। इसके जो ऑथर है वो है नितिन शुक्ला, ठीक है, और वॉइस आर्टिस्ट इन्होंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वन है उसका नाम है बारिश और इसके जो एपिसोड है वो 2 है और इसकी जो रेटिंग है वो है 4.7। इसके जो ऑथर है वो है साजिद अहमद, वॉइस आर्टिस्ट है यूज़र सारिका राठौर, ठीक है। अब इस स्टोरी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ये भी एक रोमांटिक स्टोरी होने वाली है और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, मोस्टली मैंने आप लोगों को जो भी स्टोरीज बताई है ना, उनके जो ऑथर है वो है साजिद अहमद। तो आप लोग देखिए कि इन्होंने शॉर्ट स्टोरी ज़्यादा लिखी हुई है और वो भी काफ़ी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद की है, तो ये तो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है ना आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यार आप लोगों को ये फ्री में सुनने को मिल रही है, तो इससे तो अच्छा क्या ही होगा। बस ये है कि आप लोगों को इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग को ये स्टोरीज जो है ना वो सच में बहुत पसंद आने वाली है, तो आप लोग जाके ज़रूर सुनना। बाकी जो नेक्स्ट और लास्ट है उसका नाम है कोरोना पॉजिटिव लव, ठीक है, और ये एक डॉक्टर और पेशेंट की लव स्टोरी होने वाली है, जिसका एपिसोड ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एपिसोड है। इसकी रेटिंग भी 5 है और जिसकी ऑथर है वो अर्पिता अग्रवाल, ठीक है, और जो वॉइस आर्टिस्ट है वो यूज़र सारिका राठौर, ठीक है। तो बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर ही दूंगी, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई चुकी हूँ कि कौन सी स्टोरीज में, थोड़ा थोड़ा मैंने आप लोगों को हिंट दे भी दिया। तो आप लोग बाकी डिस्क्रिप्शन वगैरह इनका जो भी इन्होंने इंट्रो दिया है वो पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आता है तो आप लोग जाके सुन लीजिएगा। बाकी इतने ज़्यादा एपिसोड है ही नहीं है यार, तो सुनना तो दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इनमें से 2-3 मैंने सुन भी लिया है, जैसे ही थोड़े टाइम बाद मैं उनका रिव्यू आप लोगों के लिए लेके हाजिर ज़रूर हो जाऊंगी, क्योंकि अभी तो ये है कि मैं दूसरी स्टोरीज, लॉन्ग स्टोरीज है, पहले उन पर ज़्यादा हाथ दे रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज़ के रिव्यू भी शॉर्ट ही होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं होती है उनके ऊपर बात, क्योंकि उनमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स या फिर ये कह लीजिए साजिश वाला सीन ही नहीं होता है, ठीक है। ये स्टार्ट होती है अच्छे तरीके से, जैसे एक सॉन्ग ही कह लीजिए, एक स्टोरी बेस्ड होता है और फालतू की चीज़ें नहीं खींची होती हैं, और एंड में हैप्पी एंडिंग हो जाती है या फिर सैड एंडिंग हो ही जाती है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सारी हैप्पी एंडिंग ही है। आप लोग सुन लीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा, और फिर सुनने के बाद आके मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोगों का इन स्टोरीज को लेकर क्या ओपिनियन है, या फिर अगर आप लोगों ने पहले ही सुन लिया तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को स्टोरीज कैसी लगी या फिर कैसी हैं,
तो मुझे बताइएगा ज़रूर। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूले, वहीं पर ही आप लोगों को सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आप लोगों को बस प्रतिलिपि FM को डाउनलोड करना है और उसको लॉग इन करना है और उसके बाद आप लोगों को इन स्टोरीज को सर्च करना है या फिर ये कह लीजिए जो मैंने आप लोगों को लिंक्स प्रोवाइड किए डायरेक्ट उन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट स्टोरी पर पहुँच जाओगे और वहाँ से जाकर आप लोग फ्री में से सुन सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ है आप लोग जाओ जल्दी से सुन लो और फिर उसके बाद अपने जो ओपिनियंस हैं वो मुझे कमेंट में शेयर करना। फिर भी आप लोगों के कोई डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी bharti2198 पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगी, ठीक है। तो बाकी आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी या फिर बुक या फिर नॉवल का मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उस पर वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।